फ्रेंड्स, अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हैं वहां पर, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट आप जा करके वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूं जो कि होंगे सीटेट और डीट प्लस बी से रिलेटेड, या बाकी के अदर टेट्स में भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट थियरीज ऑफ साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट की, जितनी भी मेन थियरीज हैं उनको इस एक वीडियो में समेटेंगे। और ये वीडियो आपके लिए एक डोज का काम कर सकता है जिनका बिल्कुल जल्दी में एग्जाम है, जिनको एक जगह पर चीजें जोड़ करके पढ़नी है। ये वीडियो लास्ट तक देखें, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको ये हेल्प करेगा फॉर श्योर। और हम कोशिश करेंगे चीज़ों को कनेक्ट करने की, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे जहाँ जहाँ पर उनको यूज़ किया जाएगा, पेडागॉजी और साइकोलॉजी को एक साथ जोड़ेंगे। बात करें अगर ये थॉट्स हम जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके अलावा जैसे इंटेलिजेंस है, एरिक एरिक्सन है या कोल्ब है, इन सबको मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाकी की जो थ्योरीज डिटेल में अभी तक नहीं मिली हैं वो आगे मिल जाएंगी, लेकिन ये वीडियो जो है क्रिस्प वीडियो रहेगा जिससे आप एग्जाम से एक दिन पहले भी अच्छे से रिवाइज कर पाएं सारी चीज़ों को, और कई नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आगे आने वाली हैं और स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, शेयर भी ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। ये जितने भी थिंकर्स आपको दिख रहे हैं 15-20 लोगों को एटलीस्ट हम पढ़ेंगे, जानेंगे थॉट्स को अलग अलग बिल्कुल इनिशियल लेवल से। और बर्थ ऑफ साइकोलॉजी जितनी भी अलग बातें होंगी एक्स्ट्रा में वो भी मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगी। बर्थ ऑफ साइकोलॉजी कहें, अगर देखें कि जो मनोविज्ञान है उसका जन्म कैसे हुआ, तो ये जन्म हुआ साइकोलॉजी का दो ग्रीक फिलोसोफर्स के टाइम पे, मतलब दो महान यूनानी दार्शनिक थे प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो और अरस्तु के समय पर साइकोलॉजी का विकास या कहें तो जन्म हुआ, क्योंकि शुरुआत में साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट या कहें तो थॉट नहीं था, फिलोसोफी का ही एक पार्ट था, मतलब कि दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट था। एटिमोलॉजिकली अगर इसका मतलब देखें, शाब्दिक अर्थ पर जाएं अगर साइकोलॉजी के, तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, साइकी एंड लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है अध्ययन, तो साइकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ सोल। तो शुरुआत में साइकोलॉजी को माना गया स्टडी ऑफ सोल। और इसके बाद आज के टाइम पर अगर पूछे कि हम आज के टाइम पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजी को क्या मानते हैं, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर मानते हैं। शुरुआत में क्या मानते थे, तो स्टडी ऑफ सोल मानते थे। इसके बीच में जो एक सफर है कैसे साइकोलॉजी सोल से लेकर के बिहेवियर तक पहुंची, वो हम जान सकते हैं वुडवर्थ के एक थॉट से। वुडवर्थ ने कहा कि पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, मतलब साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, उसके बाद साइकोलॉजी ने अपना मन खोया, मतलब उसके बाद साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स माइंड, फिर उसके बाद साइकोलॉजी ने अपनी चेतना खोई, मतलब कि देन साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑफ कुछ व्यवहार ही बचा है। शुरुआत में साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन थी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, बाद में साइकोलॉजी मन का अध्ययन हुई एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस का अध्ययन हुई जो हम वुंट के बारे में पढ़ते ही हैं, और आज के टाइम पर व्यवहार का अध्ययन है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। और जॉन लॉक ने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा, 17th सेंचुरी के एक थॉट थिंकर कह सकते हैं इनको। तो टेबुला रासा का मतलब होता है बेसिकली एक ब्लैंक स्लेट है बच्चे का दिमाग, क्ले की तरह है, एक गीली मिट्टी की तरह है जिसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, एक ऐसा बोर्ड है जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने कहा बेसिकली बिहेवियरिस्टिक थॉट था, ये व्यवहारवादी थॉट था कि ब्रेन जो है उसका सेंटर कॉन्शियसनेस है, और ब्रेन को आप किस तरह से पढ़ेंगे, जानेंगे उसके अंदर क्या है, तो बिहेवियर से जानेंगे। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। साइकोलॉजी को पहली बार किसने इस्तेमाल किया साइकोलॉजी वर्ड का, तो 1590 में रुडोल्फ गोकल ने इसका इस्तेमाल किया। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म समझ लेते हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म को बेसिकली बहुत सारी थियरीज करने वाले हैं, थॉर्नडाइक, पेवलव, ये सबको हम करेंगे डिस्कस, कार्ल रॉजर्स और बहुत सारी चीज़ें। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब संरचनावाद, किसी चीज़ की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, इस बात को जाना जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर किसी से मेरा मतलब है कि माइंड की संरचना कैसी थी उस टाइम पर, इस बात को समझने का काम किया विलहेम वुंट ने। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कहा जाता है विलियम मैक्सिमिलियन वुंट को, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इनको कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इन्हें कहते हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि इन्होंने पहली लेबोरेटरी स्थापित की साइकोलॉजी की लिप्जिंग जर्मनी में 1879 के अंदर, भाई पहली प्रयोगशाला जहां पर टेक्निकली या प्रॉपर तरीके से एक साइकोलॉजी की लेबोरेटरी स्थापित हुई और उसमें एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए मनोविज्ञान पर, जिसमें एनिमल्स और जो कुछ ह्यूमन बींग्स थे उन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो ये साइकोलॉजी क्या बनी, जब से साइंटिफिक हो गई या एक साइंस का सब्जेक्ट बन गई अपने आप में, क्योंकि जिस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके हम मानते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। इनका जो मेथड था वो था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, विलहेम वुंट का, और इनके एक शिष्य थे टिचनर इनका।
इसके बाद इनकी एक शिष्य हुई टिचनर की, जो इनके शिष्य थे टीचर की, एक जो बेसिकली पीपल थी या स्टूडेंट थी, एनिमल माइंड नाम की उन्होंने एक बुक लिखी। वॉशबर्न एक महिला थी, 1894 में इन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने पीएचडी डिग्री ली, तो वो एक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे या नेक्स्ट सेक्शन पर चलेंगे, तो फंक्शनलिज्म आता है। फंक्शनलिज्म क्या है? प्रकारवाद। अब हम यहाँ पर समझ रहे थे कि हमारा माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ स्टिमुलस को देखकर, कुछ उद्दीपकों को देखकर, कुछ स्ट्रक्चर्स को देखकर बेसिकली कैसे हम रिएक्ट करते हैं, या क्या हमारे पैटर्न्स हैं दिमाग में, किस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं चीज़ों पर रिएक्ट करने के। अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जाए, एक बढ़िया सी पेंटिंग दिखाई जाए, किस कलर को देख करके, किस शेप को देख करके आपका दिमाग किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये इसमें देखा जाता था। अंतर्दार्शनिक विधि के द्वारा खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व किया जाता था। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद। तो इसके जनक हैं विलियम जेम्स, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इनकी जो एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में इन्होंने लिखी, जो कि एक बहुत फेमस बुक रही। इनको मॉडर्न डे फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, विलियम जेम्स को। और इनकी एक जो स्टूडेंट थी मैरी विटन कॉलकिंस, इनकी एक बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी APA की। APA को अभी एक एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान में रखें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट बनी इसकी मैरी विटन कॉलकिंस, और सेकंड बनी थी वॉशबर्न। पहली ध्यान में रखेंगे, चल जाएगा काम। नेक्स्ट पर चलते हैं साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस मतलब कि आपका मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद क्या है? बेसिकली इसके जनक हैं सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने बात की कि मन के विश्लेषण पर, मन के अंदर क्या है उसको जानने पर, इन्होंने मन की तीन अवस्थाएं बताई, इद, ईगो, सुपर ईगो, और इसके साथ और चीजें जुड़ी हुई हैं, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड। अभी तीनों, इन तीनों तरहों से जुड़े हुए हैं। कॉन्शियस माइंड वो माइंड जो पूरी तरह से चेतन है, आप जिन चीजों के लिए एक्टिव हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में है। तो कॉन्शियस माइंड बेसिकली कहां पर काम करेगा? सुपर ईगो में। अगर हम बात करें अनकॉन्शियस माइंड की, तो अनकॉन्शियस आपका इद से जुड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस आपका ईगो से जुड़ा हुआ है, या कहें तो सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में ट्रेवल करता रहता है ईगो। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी एक चीज, इद क्या है भाई? इद जो है पूरी तरह से टोटली अनकॉन्शियस होती है। इसको डिजायर्स का एक स्टोर हाउस भी कहते हैं। बेसिकली इन्होंने बात की सिगमंड फ्रॉइड ने कि जो मन की तीन अवस्थाएं हैं, जहां पर एक जगह पर आप पूरी तरह से चेतन हैं, कॉन्शियसनेस में हैं, दूसरा सबकॉन्शियस है, थोड़ा सा चेतन है, थोड़ा सा अचेतन है, और तीसरा है अनकॉन्शियस, मतलब पूरी तरह से चेतन है वो हिस्सा मन का जो ज्यादातर भाग है आपका। 1/9 ही सिर्फ क्या होता है, मतलब 1/9 पानी के नीचे होता है, मतलब कि आपका आइसबर्ग की तरह इन्होंने तुलना की है कि अनकॉन्शियस में रहता है ज्यादातर जो पार्ट है आपके दिमाग का। एनालिसिस ऑफ फॉरगेटफुलनेस की बात करते हैं साइको एनालिस्ट। मिस प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम जो है उसको देखते हैं, जोक्स और ड्रीम्स को एनालाइज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई साइको एनालिसिस में क्या होता है, क्यों हम भूलते हैं, क्यों हम चीज़ों को मिस प्रोनाउंस करते हैं, मतलब कि स्लिप ऑफ टंग क्यों होता है, जोक्स को, ड्रीम्स को, बेसिकली एनालाइज करते हैं। इनकी एक बुक है सिगमंड फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कैसे ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया। इन्होंने बताया कि ड्रीम्स जो हैं रॉयल रोड हैं आपके अनकॉन्शियस तक जाने की। नेक्स्ट है ओडिपस एंड इलेक्ट्रा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की इन्होंने, मतलब जो मेल चाइल्ड है, जो एक बेटा है, उसका अपनी माँ के प्रति जो अट्रैक्शन होता है उसको ओडिपस कहा। जो बेटी है, कहें तो फीमेल चाइल्ड है, उसका अपने पिता के प्रति, मतलब ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो एक अट्रैक्शन है उसको इन्होंने ओडिपस और इलेक्ट्रा का नाम दिया। मेल के लिए ओडिपस, फीमेल के लिए इलेक्ट्रा। इन्होंने दो और एनर्जीज के बारे में बात की, इरोज एंड थेनेटोज। इरोज मतलब हमारे अंदर कुछ लाइफ इंस्टिंक्ट होते हैं, हम जीना चाहते हैं, हम स्ट्राइव करते हैं बेहतर चीज़ों की तरफ, हम खुश रहते हैं। और थेनेटोज की अगर बात करें तो हमारे अंदर एक डेथ इंस्टिंक्ट भी होता है। डेथ इंस्टिंक्ट मतलब जब हम खुद को ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये डिप्रेशन हो सकता है, ये एंग्जाइटी हो सकती है, ये लड़ाई करना हो सकता है, जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो थेनेटोज में आ सकती हैं। नेक्स्ट समझें अगर इनकी जो थियोरी है फ्रॉइड की, स्टेजेस ऑफ साइकोडायनामिक थियोरी। तो इनकी मनोविश्लेषणवाद की थ्योरी है जिसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी या साइकोडायनामिक थ्योरी भी कहा जाता है। फ्रॉइड ने इस बात पर विश्वास किया कि जो हमारी जो जिंदगी है, लाइफ है, वो एक कॉम्बिनेशन है टेंशन और प्लेजर का, मतलब हम सीख करते हैं प्लेजर और टेंशन को। दूसरा एक बात है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द सेंटर ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शंस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल लिबिडो। तो इसके लिए इनका काफ़ी विरोध हुआ कि फ्रॉइड ने कहा कि जितने भी आपके ह्यूमन एक्शंस हैं वो एक सेक्सुअल अर्ज कहें जिसको, या सेक्सुअल एनर्जी की वजह से ड्राइव होते हैं, या उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप वो एक्शंस करते हैं सारे।
नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट ही क्लासिफाइड 5 स्टेजेस. तो ये जो सेक्सुअल लिबिडो है, जिसको हम एक एनर्जी कह सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं, इसके बेसिस पर उन्होंने 5 स्टेजेस दी. पहली स्टेज थी ओरल स्टेज. ओरल स्टेज मतलब जन्म से 2 वर्ष की अवस्था. यहाँ पर बच्चा प्लेजर सीख करता है किस से, जो उसके बेसिकली फर्स्ट ऑर्गन है उसके लिए माउथ, जहाँ से वो प्लेजर सीख करेगा. जो बेसिकली बच्चे के अंदर सकिंग है, प्याजे के हिसाब से भी स्कीमा होता है सकिंग का, ग्रेस्पिंग का, तो वो चूज करके मतलब बेहतर फील करता है, मतलब सकिंग के द्वारा. जैसे वो दूध पीता है अपने बचपन में, जैसे ही वो पैदा होता है तो माँ जो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उससे उसको प्लेजर मिल रहा है. थंब सकिंग से उसको प्लेजर मिलेगा, बाइटिंग से उसको प्लेजर मिलेगा. तो ये बात हुई 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष में. ओरल स्टेज में बच्चा मुंह में डालकर हर चीज को देखता है. ये आप भी जानते हैं, छोटा बच्चा हर चीज को अपने माउथ के अंदर डाल लेता है. नेक्स्ट है, ओरल स्टिमुलेशन कुड लीड टू एन ओरल फिक्सेशन इन लेटर लाइफ. भाई जिन लोगों का ये जो स्टिमुलेशन है, ओरल स्टिमुलेशन, ये जो स्टेज है फिक्स हो सकती है. आज के टाइम पर जब हम स्मोकर्स को देखते हैं, नेल बाइटर्स को देखते हैं, तो उनका जो फिक्सेशन है ओरल स्टेज में, मतलब कि जो एनर्जी है वो वहीं है अभी भी. नेक्स्ट है एनल स्टेज. एनल स्टेज मतलब 2 से 3 वर्ष की अवस्था. इसमें बच्चा प्लेजर सीख करता है अपने जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जो यूरिन है उसका, उसको होल्ड करके, रिलीज करके, मैनिपुलेट करके, तो जो मूत्र विसर्जन है उसके प्रति उसको रोक करके, रिलीज करके वो प्लेजर सीख करेगा. हर अवस्था की अपनी कुछ स्टेजेस हैं. फैलिक स्टेज आती है 4 से 6 वर्ष की अवस्था. फैलिक स्टेज में आपकी सुपर ईगो डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर. सुपर ईगो क्या है? बेसिकली सुपर ईगो काम करती है आपका एक पुलिसमैन की तरह. सुपर ईगो अगर मैं कहूँ तो सुपर ईगो हमेशा सीख करती है जो सही है उसी को किया जाए. ईगो काम करती है इद और सुपर ईगो के बीच में. इद क्या है? एक प्लेजर इंस्टिंक्ट है. इद में आपको जो चाहिए वो चाहिए, सही गलत कुछ नहीं समझते आप. ईगो सही गलत और मन के बीच में जो चाहत है आपकी, प्लेजर है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाती है. तो ये आप ध्यान में रखें, इद हमारे अंदर बचपन से होती है, जन्म से होती है. इद पर ही हम काम करते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल पर ही. जो आपकी ईगो है वो 1-1.5 साल के बाद आती है, और सुपर ईगो 4 से 6 वर्ष की अवस्था में आ जाती है, जब आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं चाहे आपके मन में कुछ भी हो. ये एक चीज हुई. अब इसके अंदर फैलिक स्टेज के अंदर एक और बहुत बड़ी विशेषता है, ओडीपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है डेवलप हो जाता है बच्चों का. ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बनता है. नेक्स्ट है लेटेंसी स्टेज. 7 to 12 years होती है ये. लेटेंट इसलिए कहते हैं छिपी हुई, मतलब जो वो सेक्सुअल अर्ज है या जो लिबिडो है वो लेटेंट हो जाती है इस पीरियड में, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लगता है, वो अपने डिजायर्स को सप्रेस करना सीख जाता है और अपने स्कूल की हॉबीज में और स्कूल वर्क में, फ्रेंडशिप्स में इन्वॉल्व हो जाता है. बेसिकली बहुत ज़्यादा इनका क्रिटिसिज्म हुआ, किताबें जला दी गई, बहुत कुछ हुआ, क्योंकि इन्होंने, फ्रॉइड ने, जो सेक्सुअल अर्ज है या सेक्सुअल लिबिडो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया. तो इनके अपने खुद के स्टूडेंट इनके इस थॉट से अग्री नहीं करते थे बहुत बार. नेक्स्ट है जेनिटल स्टेज. अब 13 से 19 साल की अवस्था है. जेनिटल स्टेज में क्या है? रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंस के अंदर. तो ये कुछ 5 स्टेजेस थी. डिफेंस मैकेनिज्म पर चलेंगे. डिफेंस मैकेनिज्म ईगो, जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, बेसिकली आपकी ईगो खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ शील्ड का, एक हथियार का इस्तेमाल करती है, ताकि आप ऐसी सिचुएशंस जिनको आप झेल नहीं सकते हैं, कॉन्शियसली आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उनको अनकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाता है अपने आप ही, ताकि आपका जो बेसिकली आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आप एंग्जाइटी में ना चले जाएं, आप पागल ना हो जाएं. तो ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉइड ने दिए शुरुआत में. तो इन्होंने डिनायल की बात की, रिग्रेशन की बात की. डिनायल मतलब आप मना कर देते हैं, अगर आपको कोई चीज़ फील हो रही है आप उसको कहेंगे कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं है. रिग्रेशन में आप बच्चों की तरह, या कहें तो अपने से छोटी स्टेज पर जाकर के खुद को बेहतर फील कराने की, मतलब जैसे रो करके आसानी फील होती है या कुछ अच्छा लगता है लोगों को, तो वो रिग्रेशन है. एक्टिंग आउट मतलब आप एकदम से एक्ट कर रहे हैं. रिप्रेशन में आपके अनकॉन्शियस लेवल पर आपकी जो डिजायर्स हैं, जो प्रॉब्लम है, वो दब जाती हैं. प्रोजेक्शन मतलब आप अपनी कमी को किसी और पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रक्षेपण कर रहे हैं. सब्लिमेशन एक बहुत ही अच्छी फॉर्म कह सकते हैं, मतलब ऐसी आपकी कुछ डिजायर्स हो सकती हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो. सब्लिमेशन में आप इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, ऐसी एनर्जी में जो सोशली एक्सेप्टेबल हो. डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने किसी और चीज़ पर गुस्सा था कहीं और निकाल दिया, क्योंकि आप उस जगह पर गुस्सा नहीं निकाल सकते थे. जैसे आपको अगर अपने बॉस से डांट पड़ी है तो आपने घर आकर के अपने बच्चे को डांट दिया, पिटाई कर दी उसकी. ह्यूमर, जॉर्ज वैलियंट ने एक क्या कहें, एक बहुत ही मैच्योर टाइप ऑफ
ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इसको कहा है कि जब आप हंसी में उड़ा देते हैं चीज़ों को, मतलब आप उस तरह से लेने लग जाते हैं जब आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, रैशनलाइजेशन मतलब कि आप जवाब देने लगते हैं, रीजन देने लगते हैं कि अच्छा मैं तो इसलिए फेल हो गया क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाया था, कॉम्पनसेशन मतलब अगर आप एक काम अच्छा नहीं कर पाए तो आप उसके लेवल का कुछ और अच्छा कर लेंगे, कॉम्पनसेट कर लेंगे, फैंटेसी मतलब आप फैंटेसाइज कर लेते हैं, अपने दिमाग में ही ड्रीमिंग कर लेते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये एक चार्ट भी है जिसके थ्रू आप बेहतर समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद, जे बी वॉटसन जनक हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है जे बी वॉटसन को, 1912 के अंदर इन्होंने डिनाय कर दिया, मना कर दिया साइको एनालिसिस और जो विलियम वुंड थे उनके मेथड को, स्ट्रक्चरलिज्म को मानने से कि ये कोई साइंस नहीं है, साइको एनालिसिस अपने मन के अंदर क्या चल रहा है कोई भी कुछ भी बता सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो इन्होंने बिल्कुल सिरे से निकाल दिया बाकी सारे स्कूल्स को और बिहेवियरिज्म की स्थापना हुई 1912 में। जो वॉटसन का, जॉन ब्रॉडस वॉटसन का थॉट था वो ये था कि बिहेवियर जो है वो लर्निंग से आएगा, आप कुछ भी सिखा सकते हो किसी को भी, इसमें कोई और तीसरी चीज़ नहीं है, ना आपके जीन्स मैटर करते हैं ना कुछ और, आप कंडीशनिंग कीजिए और सिखा दीजिए। नेक्स्ट है ही एडमिटेड साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की कनेक्शन को साइकोलॉजी कहा कि आपके सामने एक उद्दीपक होता है और आप रिस्पॉन्स करते हैं और आप सीख जाते हैं चीज़ें, ऑब्जेक्टिविटी होती है आपके सीखने में, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नकार दिया गया। नेक्स्ट है ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइवन पैवलव, क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है पैवलव की उससे ये प्रभावित थे, हल्का ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है अगर आपने पढ़ा हो तो, हल्का ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत में क्या होता है, एक चीज़ होती है ड्राइव होती है जो आपको आगे ड्राइव करती है, दौड़ाती है, और जब आपको एक रीइन्फोर्समेंट मिल जाता है तो आपकी ड्राइव शांत हो जाती है, तो यही वो थ्योरी है ड्राइव रिडक्शन, बिहेवियरिस्ट थे हल भी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हल की एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पर बात करें अगर हम जे बी वॉटसन की, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थॉट है, इन्होंने कहा था 1926 में कि आप मुझे एक दर्जन बच्चे दे दीजिए, नवजात शिशु दे दीजिए, मैं उनको कुछ भी बना दूंगा, चोर डॉक्टर सिपाही साइंटिस्ट जो आप चाहें, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता वो किस घर में उन्होंने जन्म लिया है, उनके माँ बाप कितने इंटेलिजेंट हैं, उनके अंदर टैलेंट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ कंडीशनिंग या फिर जो आपकी लर्निंग है उसके थ्रू। बिहेवियरिज्म पर पूरा भरोसा था इनका, जनक इसीलिए इनको कहा जाता है। एक बच्चा आल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट था जिससे इन्होंने उस बच्चे के अंदर डर बिठा दिया था, कनेक्शन बिठा करके एक बहुत ही सॉफ्ट टॉय और डरावनी आवाज के साथ। नेक्स्ट पर चलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली क्या है, आइवन पेवलव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी और इन 1905 में इनको बेसिकली नोबेल प्राइज मिला डाइजेशन के काम के ऊपर, एक फिजियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कंडीशनिंग की थ्योरी दी। इस कंडीशनिंग में या कहें तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, आपके कुछ नेचुरल रिस्पॉन्स होते हैं, रिफ्लेक्सेज होते हैं, जैसे भूख लगेगी तो आपके मुँह से लार आना अगर आपने खाना देखा और आपका सेलिवेशन हुआ, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे आपके नेचुरल रिस्पॉन्स होते हैं। अब इन्होंने नेचुरल रिस्पॉन्स को एक कंडीशन रिस्पॉन्स से या स्टिमुलस से जोड़ा, उद्दीपक से जोड़ा। उद्दीपक क्या है, बेसिकली एक प्रकार का लालच है जिसे देखकर जो आपको वैसे क्या कहें, एक लालच दे, ड्राइव करे आगे, तो ये एक चीज़ है। तो ऐसे स्टिमुलस जो नेचुरल थे उसको आर्टिफिशियल से जोड़ा कि मतलब अगर खाना देख के आपके मुँह में पानी आता है तो आपको बिना खाना देखे कोई ऐसी चीज़ लगा दी जाए खाने की जगह पर कि उसी से आपको आप जुड़ जाएँ, आपकी कंडीशनिंग हो जाए। कंडीशनिंग का बहुत एक अच्छे उदाहरण हो सकते हैं आपके एडवर्टीजमेंट्स, कि चीज़ों को इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि आपके दिमाग में उसी तरह से प्रोसेस चलती है कि मतलब ठंडा मतलब कोको कोला आप समझते हैं, मतलब अगर आपको गर्मी लगी है तो आप सोचेंगे कि जैसे टीवी में ऐड दिखाया जाता है तो मैं जाकर के एक कोक पी लेता हूँ, उससे ठंडी ठंडा लगेगा। तो ये कंडीशनिंग है, बार 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 एक स्टिमुलस को प्रेजेंट करके उसके साथ रिस्पॉन्स जोड़ दिया जाता है। समझते हैं इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था। भाई एक कुत्ते पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पेवलव ने, और इन्होंने दिखाया कि कैसे एक कुत्ता अपना खाने को देखकर जब उसके सामने खाने की प्लेट आती थी तो सेलिब्रेट करता था, लार टपकती थी उसकी, और इन्होंने क्या किया, एक ये खाना क्या है, न्यूट्रल अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अब इन्होंने एक बैल को लिया जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, मतलब कि उसका इस खाने से कोई संबंध नहीं था, बैल को देख करके बैल की आवाज़ सुन के कुत्ते के मुँह से लार नहीं टपकेगी क्योंकि कुत्ते के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन क्या होता है कि जो आपका ये बैल है इसको एसोसिएट कर दिया पेवलव ने इस खाने के साथ, मतलब अब जब खाना दिया जाएगा
तो पहले कुछ 5 सेकंड पहले या पहले बैल बजाई जाएगी और फिर खाना दिया जाएगा तुरंत 1-2 सेकंड के बाद ही। तो अब क्या हुआ, कुत्ते को लगता है कि जैसे ही बैल बजती है वैसे ही मुझे खाना मिल जाता है। तो अब ये जो खाना मिल जाता है ये बार बार हुआ, बहुत बार होने के बाद क्या हुआ, बैल बजी, कुत्ते के मुंह में सेलिवेशन होने लगता था बिना खाना देखे, क्योंकि उसको पता है बैल बजी है तो खाना मिलेगा। अब कंडीशनिंग हो गई, इसकी आदत पड़ गई। अब आपने खाना अगर नहीं भी दिया, सिर्फ और सिर्फ बैल बजाई, कंडीशन्ड स्टिमुलस का इस्तेमाल किया, तो क्या होगा, कुत्ते के मुंह से नेचुरली ही नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कि लार आएगी जो खाने को देख करके आती थी। तो यही कंडीशनिंग है जब इस तरह की आदत आपकी हो जाए। नेक्स्ट है, की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, एनीथिंग विच अफेक्ट्स बिहेवियर, या कहें तो इंड्यूस करे जो बिहेवियर को, आगे बढ़ाए उस बिहेवियर को। रिस्पॉन्स क्या होता है, जो आप रिस्पॉन्स स्टिमुलस के प्रति उद्दीपक को देख करके जो आप प्रक्रिया करते हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, जिस चीज में कंडीशनिंग ना हुई हो, जैसे कि खाना था। कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, जो आपका बैल है, उस घंटी से क्या हुआ, उसकी उद्दीपक बन गई वो घंटी कंडीशनिंग के थ्रू, तो कंडीशनड स्टिमुलस कहा। कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, लार का आना बैल के साथ। एक्सटिंक्शन कब होता है, जब उस घंटी को बार बार बजाया जाता, खाना नहीं दिया जाता, तो विलुप्तीकरण हो जाता, कुत्ते के मुंह से लार नहीं आती तो एक्सटिंक्ट हो जाती जो कंडीशनिंग थी, वो विलुप्त हो जाती। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब जब आपने विलुप्त करा दी, बार बार उसको खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, तो अब लार नहीं आएगी क्योंकि उसे पता चल गया अब खाना नहीं मिलता। स्पॉन्टेनियस रिकवरी तब होगी जब आपने 4 दिन तक बैल नहीं बजाई और 5वें दिन एकदम से बैल बजा दी, तो फिर उसको लगेगा खाना आएगा और लार आ जाएगी। जनरलाइजेशन क्या है, सामान्यीकरण। ये जो डॉग था बेसिकली, इसको पता था कि इसके खाने की बैल कौन सी है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कर पाता था। लेकिन हर एक बैल पर, मान लीजिए गली मोहल्ले में कोई भी एक बैल बज रही है, उसके मुंह से बार बार लार आती, तो मतलब सामान्यीकरण हो जाता, स्टिमुलस का जनरलाइजेशन हो जाता। ध्यान में रखें, कंडीशनिंग तभी होगी जब डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा एक व्यक्ति या जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पर कंडीशनिंग करनी है, उसको डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि अंतर पता होना चाहिए कंडीशनड स्टिमुलस में और बाकी के जनरल स्टिमुलस में। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है। भाई ब्रूहज फ्रेडरिक स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी। इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने कहा कि ये जो पहले वाली कंडीशनिंग थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, यहाँ पर एक स्टिमुलस से रिस्पॉन्स को जोड़ा जाता है। पहले एक लालच दिया जाता है, कुत्ते के सामने खाना दोगे तब लार आएगी, फिर रिस्पॉन्स आएगा। इसमें क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने कहा कि आप रीइन्फोर्समेंट, मतलब आप क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एनिमल, आप क्या करते हैं, आप रिस्पॉन्स तो करते ही हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हैं ना। तो रिस्पॉन्स करने से, सही रिस्पॉन्स जब आप करेंगे तो आपको एक स्टिमुलस मिलेगा, और अगर आपको रीइन्फोर्स किया जाए, इस चीज़ को लिए पुनर्बलन मिले, तो आप फिर से उसी काम को करेंगे उस स्टिमुलस को पाने के लिए। तो ये एक चीज़ है। इन्होंने क्या किया, एक जो एक चूहा था उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और एक लीवर था उसके अंदर। जैसे ही गलती से उससे चूहे से वो लीवर प्रेस हुआ, वो जो एक कहें एक कुछ भी स्प्रिंग थी वो प्रेस हुई, तो उसको खाना मिला। अब जब उससे एक बार वो चीज़ हुई, बार बार रिस्पॉन्स करने के बाद स्टिमुलस मिला, तो वो अब रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलस आता है। तो RS टाइप ऑफ कंडीशनिंग इसे कहा जाता है, और जो पहले वाली थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, उसे SR टाइप ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। ये सारी बातें उन लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ रही होंगी जिन्होंने पहले कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, अदरवाइज तो आप लोगों के सर के ऊपर से भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं स्पीड में भी बहुत हूँ और ये ज़रूरी भी है, नहीं तो ये कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग को। जो BF स्किनर है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है इन्हें 20वीं शताब्दी का। तो एक बात ये हुई, इन्होंने स्केड्यूल्स ऑफ रीइन्फोर्समेंट भी दिए हैं। स्केड्यूल्स ऑफ रीइन्फोर्समेंट में बेसिकली क्या बात हुई है कि किस रेशो में आपको रीइन्फोर्समेंट देना चाहिए और किस इंटरवल के बाद। तो यहाँ पे कई 4 प्रकार होते हैं कि आपको फिक्स्ड रेशो में, मतलब इतना ही देना है, मतलब अगर 1 रुपया मिलेगा कुछ काम करने में तो 1 ही मिलेगा। फिक्स्ड इंटरवल होता है कि अगर 1 घंटे बाद मिलेगा तो 1 ही घंटे बाद मिलेगा। वेरिएबल रेशो होता है, मतलब हो सकता है आपने, आपको अभी आपकी मम्मी ने किसी अच्छे काम के लिए 2 रुपए दिए और बाद में आपको 5 मिल जाए या 100 मिल जाए, तो कुछ नहीं पता, किसी भी टाइम रेशो जो है वेरी कर सकता है। अब वेरिएबल इंटरवल होता है कि हो सकता है ये वाला काम करने पर, एक एक्शन करने पर आपको कुछ मिला हो रीइन्फोर्समेंट, और फिर दूसरे पर ना मिले, तीसरे पर ना मिले, कभी भी मिल जाए, तो ये वेरिएबल इंटरवल होगा। तो आप ध्यान में रख सकते हैं, हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्स जो रहेगा वो इन दोनों में रहेगा, फिक्स्ड रेशो में और वेरिएबल रेशो में, और मॉडरेट स्लो रेट ऑफ रिस्पॉन्स रहेगा इन दोनों में। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिकली प्रभावी होता है वो होता है आपका वेरिएबल रेशो, जो आपका रीइन्फोर्समेंट है। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, 2 और चीज़ों की बात हुई है, रीइन्फोर्समेंट को हमने समझा और पनिशमेंट को हम समझेंगे।
भाई रीइन्फोर्समेंट में क्या होता है, रीइन्फोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव में क्या होता है स्टिमुलस को ऐड किया जाता है और नेगेटिव में स्टिमुलस को हटा लिया जाता है। मतलब अगर आपको पहले 5 रुपये मिल रहे थे तो 5 रुपये हटा लिए जाएंगे अगर आपसे चाहते हैं आपका जो भी एक व्यक्ति है जो कंडीशनिंग करा रहा है कि वो बिहेवियर ना हो। तो रीइन्फोर्समेंट तो पॉजिटिव काम करेगा, हमेशा जो बिहेवियर है उसको इंक्रीज ही करेगा, लेकिन पनिशमेंट डिक्रीज कर देगी, और पनिशमेंट को हम यूज ना ही करें तो बेहतर है। नेक्स्ट है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में कुछ अंतर हैं, ये आप खुद ही पढ़ लें क्योंकि मैंने ये ऑलमोस्ट समझा दिए हैं सारी चीज़ें। इनका जो एक्सपेरिमेंट था पेवलव का, एसआर थ्योरी कहा गया इनकी थ्योरी को, और एक डॉग पर था, स्किनर का 2-3 चीज़ों पर था, जैसे कि एक कबूतर पर था, एक आपका चूहे पर था, तो ये आप ध्यान में रखें। और RS टाइप ऑफ कंडीशनिंग इसको कहा जाता है, स्किनर वाली कंडीशनिंग को, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ईएल थॉर्नडाइक की, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर मतलब जनक कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, जब साइकोलॉजी का मनोविज्ञान में इस्तेमाल होने लगा, एजुकेशन में जब हम साइकोलॉजी को इस्तेमाल करने लगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बन गई। क्यों हम इस्तेमाल करने लगे, बच्चों की बेहतरी के लिए। नेक्स्ट है प्रोमिनेंटली नोन फॉर ट्रायल एंड एरर थ्योरी, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत इसे कहा जाता है, बहुत ही फेमस हैं थॉर्नडाइक इसके लिए। इन्होंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी दी है, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप नीचे लिंक के थ्रू देख लें। सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर कैट था जो इनका एक्सपेरिमेंट था, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट पहले एनिमल्स पर ही होते थे, तो जो सब्जेक्ट है यहाँ पर कैट था। इन्होंने बेसिकली इस तरह के एक बॉक्स में, थॉर्नडाइक का एक बॉक्स था जिसमें एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया एक कैट को, और उसके सामने क्या हुआ, एक फिश को रख दिया। उस फिश की जो स्मेल थी इस कैट को, बेसिकली ये स्टिमुलस का काम कर रही थी ये जो आपकी फिश है, और अंदर जो आपकी बैठी हुई कैट है वो इसको देख करके उसको बेसिकली मन कर रहा है कि ये चीज़ उसे मिल जाए भूख की वजह से। अब जब एक भूखी बिल्ली को आपने अंदर रख दिया एक बॉक्स के अंदर, तो अब वो रास्ता खोजेगी कि कैसे इस मछली तक अपने खाने तक पहुंचा जाए। अब यहाँ पर क्या था, ये बॉक्स इस तरह का था कि अगर वो बिल्ली किसी एक पर्टिकुलर लेवर को प्रेस करती या कुछ तरीके से इस्तेमाल करती तो वो निकल जाती वहां से। अब बिल्ली ने बहुत बार प्रयास किया, जब उसको उसके अंदर रखा गया, ऊपर ऐसे हाथ पैर मारे, इधर उधर गई, और जब वो सही जगह टकराई, मान लीजिए इस गेट पर ठीक से टकराई, तो ये गेट खुल गया, उसे पता चला कि यहाँ से खुलेगा ये प्रेस होने पर। तो ये बार बार इसने गलतियां की और फिर सीखी। तो इसी तरह से हम जिंदगी में सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर के थ्रू, त्रुटि एवं प्रयास के थ्रू। तो वो एक चीज हुई, इसलिए इनकी थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है। सब्जेक्ट क्या था, कैट था। स्टिमुलस क्या था, उद्दीपक। लालच क्या था, फिश थी या खाना था। मोटिवेशन क्या थी, स्मेल जो थी, उस कैट को फिश की स्मेल आ रही थी तो ये उसको मोटिवेट कर रही थी। ड्राइव क्या थी, हंगर। अगर वो बिल्ली भूखी नहीं होती फिर क्यों वो कोशिश करती, तो ड्राइव भी यहाँ पर शामिल है जो आपको आगे इंड्यूस करती है आपके एक्शंस को। नेक्स्ट है लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं थॉर्नडाइक ने, 3 प्राइमरी लॉ हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, सेकेंडरी लॉज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ध्यान में रखें 3 प्राइमरी लॉ हैं। 3 प्राइमरी लॉ कौन से हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब जिस चीज़ का आप पर प्रभाव पड़ता है उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से सीखते हैं, ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब जब आप तैयार होते हैं तभी आप सीखते हैं, तो आप क्लास में कोशिश करें बच्चों को पहले पढ़ने के लिए तैयार रहें, एक माहौल दें उनको ताकि वो तैयार हो सके, मन लगे, इंटरेस्ट बने उनका पढ़ने में, क्योंकि अगर बच्चा रेडी नहीं है, कोई भी व्यक्ति रेडी नहीं है, तो आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे उतना आप बेहतर सीखेंगे, तो ये 3 लॉज हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। अब हम 3 मेन लॉज के बारे में बात की, अब कुछ हम सेकेंडरी लॉज के बारे में बात करेंगे, कुछ 8 लॉज हैं। लॉ ऑफ प्राइमेसी, जो चीज़ अब बेसिकली आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उसको आप बेहतर सीखते हैं। रिसेंसी का लॉ है, जो चीज़ आपने रिसेंटली पढ़ी होती है, देखी होती है, उसको आप ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस, मतलब जो चीज़ का स्टिमुलस, उद्दीपक अगर तेज है तो वो आपको लर्निंग करा देगा। मल्टीपल रिस्पॉन्स का लॉ है, जिसमें आप मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देते हैं। सेट एटीट्यूड का, मतलब आपका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड है किस चीज़ के प्रति, तो आप उसको उस तरह से सीखेंगे। एनालॉजी, मतलब समानता का, इसी तरह से एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, किस तरह से आप अलग स्टिमुलस पर, एनालॉजी में क्या होता है, बेसिकली आप पुराने एक्सपीरियंसेस को नई सिचुएशन में यूज़ कर लेते हैं तो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर लर्निंग का, ये कह सकते हैं। एसोसिएटिव शिफ्टिंग में अलग अलग स्टिमुलस पर आप रिस्पॉन्स करना जानते हैं। पार्शियल एक्टिविटी पर आप क्या होता है, आप सम्स पर ध्यान देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से आप मेन चीज़ पर सीखते हैं, मेन चीज़ को। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक समुदाय है साइकोलॉजी का, जिसके जनक हैं वर्टहाइमर, तो फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद इज वर्टहाइमर। इसके साथ 3 और लोग जुड़े हैं, कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन। कोहलर ने बेसिकली इंसाइटफुल लर्निंग का सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी अपनी बुक में मेंटेलिटी ऑफ एप्स के अंदर। इंसाइटफुल लर्निंग क्या है, बेसिकली एक सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कोहलर ने,
इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो जरूरी नहीं है ट्रायल एंड एरर से ही सीखे, उसके अंदर सूझ भी हो सकती है, उसके अंदर इंसाइट भी आ सकता है, उसके अंदर आइडिया भी आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर कॉग्निशन है, दिमाग है, वो अपनी क्रियाएं करेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसको एक इस तरह की सिचुएशन प्रोवाइड कर दी, जो उसका खाना था कुछ बनाना, मतलब कुछ केले थे, वो छत से लगा दिए, उस एक चिंपैंजी की पहुंच से दूर लगा दिए, लटका दिए बेसिकली, और एक डंडे और कुछ चीज़ों का प्रावधान किया गया जो इधर उधर पड़े थे। उस चिंपैंजी को नहीं पता था कैसे वहाँ तक, उस खाने तक पहुँचना है, उन बनानास तक पहुँचना है, लेकिन उसने बहुत सारे प्रयास किए और फिर उसे एकदम बैठे बैठे इंसाइट आया कि कैसे वो जुगाड़ करके ऊपर तक पहुँच सकता है। तो इस इंसाइट को हम क्या कहते हैं, बेसिकली एक सडन आइडिया कहते हैं, जो हमारे दिमाग में एकदम से आ जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर सॉल्व हो रही होती है। तो ये एक बात है। नेक्स्ट चीज पर चलेंगे, इनका एक थ्योरी है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि भाई जो बड़ा है, जो एक होल होता है, वो इसके पार्ट्स के सम से बड़ा होता है हमेशा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक बंदे से ज्यादा पांच लोगों की सोच ज्यादा बेहतर काम करेगी। ये एक चीज हुई। यहाँ पर और भी लॉस काम करते हैं, बट आप ध्यान में रख सकते हैं इसको, सिमिलैरिटी का लॉ होता है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली संज्ञान पर बात करती है कि कैसे आपके कुछ थिंकिंग कैसे काम करती है, आपकी आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे बनता है, जो आपकी कॉग्निशन मतलब आपके दिमाग में संज्ञान में जो प्रोसेस है वो कैसे चलती है, आप कैसे अपनी समझ बनाते हैं। तो इसकी स्थापना 1960 में मिलर और जेरोम ब्रूनर ने की, कॉग्निटिव स्कूल की। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी ब्रूनर ने दी है, और इनका एक मॉडल है इनएक्टिव आइकॉनिक और सिम्बॉलिक लर्निंग का, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जीन प्याजे की अगर हम बात करें तो इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। इनकी थ्योरी है, इन्होंने स्टेजेस दी हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, या कहें तो मेंटल डेवलपमेंट की, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो स्कीमा, ये थ्योरी हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं फटाफट से कराऊंगी। स्कीमा क्या है, आपका सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है आपके दिमाग में किसी भी चीज़ के प्रति रिएक्ट करने का या पहचानने का। बेसिकली अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर के स्कीमा नहीं होगा, एक सर्टेन सेट ऑफ बिहेवियर या पैटर्न नहीं होगा इन्फॉर्मेशन का, तो आप नहीं पहचान पाएंगे चीज़ों को। स्कीमा बनता कैसे है, अडेप्टेशन से बनता है, जिसमें दो प्रोसेस शामिल होती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की। एसिमिलेशन में क्या होता है, जब आप एक नई चीज़ देखते हैं और सीख जाते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, तो ये एसिमिलेशन कहलाता है। लेकिन एकोमोडेशन में क्या होता है, समायोजन होता है, जो आपने पहले सीखा था, एसिमिलेट किया था, उसमें चेंज होगा, उसमें चेंज होगा, तब आप नई नॉलेज का निर्माण करेंगे, एकोमोडेशन कहलाएगा। तो जब भी मैनिपुलेशन इन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा या एडजस्टमेंट इन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा, तो एकोमोडेशन होगा। जब भी नई नॉलेज को ऐड किया गया है आपके स्कीमा में, तो वो एसिमिलेशन होगा। हमेशा ध्यान में रखें, जब तक मैनिपुलेशन ना कहे तब तक आप इसको एसिमिलेशन समझें। नेक्स्ट है, इस तरह से ये प्रोसेस होती है, जब आपके नए ज्ञान का या स्कीमा का निर्माण होता है, आपका स्कीमा अपडेट होता है। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने थ्योरी कराई हुई है, नीचे लिंक के थ्रू देख लें। फर्स्ट स्टेज, चार स्टेजेस दी प्याजे ने, सेंसरी मोटर स्टेज, शैशवावस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करता है, ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ही सोचता है, काम करता है, सारी चीज़ें ज्ञानेंद्रियों के थ्रू करता है, सेंसेस से अपनी समझ बनाता है, इसलिए सेंसरी मोटर भी कहते हैं इसको, सेंसेस और अपनी मोटर एक्टिविटीज से। नेक्स्ट है 9 से 10 महीने की अवस्था में, इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, वस्तु स्थायित्व आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में, इसे इन्फेंसी भी कहते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, इसका मतलब होता है कि बच्चा ये समझने लगता है कि अगर कोई चीज़ मेरे सामने नहीं है वो तब भी एग्जिस्ट करती है, मतलब अगर उससे कोई खिलौना ले लिया गया है तो वो अब उसके लिए रोएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो खिलौना अभी भी है, बस मेरे सामने नहीं है, छिपा दिया गया है। इससे पहले 9-10 महीने से पहले बच्चे को अगर ये किया जाए, उससे कोई खिलौना ले लिया जाए, तो उसको लगेगा वो खिलौना अब एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है आपका बेसिकली आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का फिनोमेना होता है, कि बच्चा ये समझने लगता है कि भले ही मेरी आंखों के सामने नहीं है बट दिमाग में तो है, वो चीज़ एग्जिस्ट तो करती है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब, ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पर मेंटल प्रोसेसेस, जिसको प्याजे ने कहा है। तो मेंटल प्रोसेसेस से पहले वाली स्टेज है, छोटे छोटे मेंटल ऑपरेशंस यहाँ पर किए जाते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था प्री स्कूल एज इसको कहते हैं, मतलब स्कूल जाने से पहले वाली। टॉय एज भी कहते हैं इसको, और प्री गैंग एज कहते हैं। बच्चा थोड़ा थोड़ा सीखने लगता है कार्टून वगैरह देख करके गैंग में रहना या लोगों के कॉन्टेक्ट में आना। अब यहाँ पर प्री गैंग एज, ये इसके 3 नाम है, ये आप ध्यान में रखें। प्याजे के हिसाब से बच्चा, प्याजे कहते हैं कि पहले बच्चा जो है थॉट डेवलप करता है, पहले थॉट आता है, विचार आता है, बाद में भाषा आती है। तो ये आप ध्यान में रखें। इसमें 2
प्रकार के प्ले आते हैं डिसेंट्रेशन और डिकॉन्टेक्चुलाइजेशन. डिसेंट्रेशन मतलब आप एक ही एस्पेक्ट देख पाए किसी चीज का, डिकॉन्टेक्चुलाइजेशन मतलब एक से ज्यादा एस्पेक्ट आप देख पाते हैं जब किसी चीज के. एज ऑफ ट्रांसडक्टिव रीजनिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग मतलब इलॉजिकल रीजनिंग. बच्चा किसी भी चीज को किसी से भी जोड़ देता है. मान लीजिए आप उठकर मतलब उठकर कहीं गए हैं और एकदम से कुछ हुआ है, मान लीजिए घर की बैल बजी है, तो उसको लगेगा कि आप उठे हैं इसलिए घर की बैल बजी है. ठीक है, या कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी चीजें जोड़ सकता है, एक चांद को बॉल कह सकता है, क्योंकि वो अपनी इलॉजिकल रीजनिंग लगा रहा है, या कहें तो अपनी समझ के हिसाब से, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट उतना अभी नहीं हुआ है. ईगो सेंट्रिज्म इसका एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, खुद को दुनिया का सेंटर मानता है और वो नहीं समझ पाता, उसको लगता है जैसा मैं फील करता हूँ वैसा सब फील करते हैं. ये एक चीज है. नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की अवस्था. इसमें क्या रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. बच्चा रिवर्सिबल थिंकिंग रखता है, मतलब 2+5 7 है तो 7-2 5 हो सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है. अब यहाँ पर जो मूर्त चीजें हैं उनके विषय में ये लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, तो लॉजिक की जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में. कंजर्वेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है कि मास वॉल्यूम शेप साइज के जो डिफरेंस है उसको समझने लगता है कॉन्क्रीट लेवल पर. ट्रांजिटिविटी आ जाती है कॉन्क्रीट चीजों को लेकर. ट्रांजिटिविटी क्या है, बेसिकली जो रिलेशनशिप है उसको वो समझने लगता है किसके थ्रू, कॉन्क्रीट चीजों के थ्रू जो उसके सामने प्रेजेंट है. मूर्त जो है आइडियाज में वो बहुत बड़ी जो मुश्किल चीजें हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन सामने दे दोगे तो वो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने लगता है. तो ये एक चीज है. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुए हैं, अमूर्त विचार डेवलप होंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में. अच्छा, इसको गैंगेज भी कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं. नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष की अवस्था, एडोलेसेंस पीरियड है. यहाँ पर क्या है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अमूर्त विचारों का प्रयोग करने लगता है, मुश्किल कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने लगता है और सारे एस्पेक्ट्स देखने शुरू कर देता है लोगों के, चीजों के या कॉन्सिक्वेंसेस के. यहाँ पर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, मतलब बच्चा हाइपोथेसिस परिकल्पना लगाना शुरू कर देता है, डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है, मतलब जनरल रूल से फॉर्मूला तक, मतलब जनरल रूल से एग्जाम्पल तक जा सकता है. डिडक्टिव मतलब आपके फॉर्मूला से एग्जाम्पल तक पहुंचना या फॉर्मूला को अलग अलग जगह पर सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाना, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं. इंडक्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं आप, और यहाँ पर फॉर्मूला जनरल होता है तो जनरल टू स्पेसिफिक. लेव वाइगोस्की पर आते हैं फटाफट से. लेव वाइगोस्की ने बेसिकली बात की है किस बारे में, ये हम देख लेते हैं. इनकी थ्योरी है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट. वाइगोस्की ने कहा कि भाई एक बच्चे पर कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कम्युनिटी की सहायता से होता है, क्योंकि कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं, ऐसा माहौल उसको मिलता है जो उससे ज़्यादा जानते हैं, उसको हेल्प करते हैं ज़्यादा जानने में. तो अगर वो इंटरेक्ट करेगा अपनी कम्युनिटी अपने सोसाइटी के साथ तो बेहतर सीख पाएगा, जल्दी सीख पाएगा. मोर नॉलेजेबल अदर की इन्होंने बात की कि एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चे से ज़्यादा जानता है, उसके पीयर ग्रुप का भी हो सकता है, उसकी माँ हो सकती है, उसके टीचर हो सकते हैं, तो वो उस बच्चे को हेल्प करेगा ऐसा काम करने में जो वो खुद नहीं कर सकता लेकिन हेल्प से कर सकता है, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं. तो ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब वो जोन है ये जिसमें आप मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता से वो काम कर पाएंगे जो आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं. वो एक चीज हुई ZAD, मतलब आप जब खुद किसी काम को कर पा रहे हैं. इन दोनों के बीच का डिफरेंस है MK और ZPD का. स्कैफोल्डिंग एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है, आपको एक ऐसी टेम्प्रेरी CD प्रोवाइड करा दी गई है जिस पर चढ़ के आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं, और जब आप यहाँ तक पहुंचने के लायक हो जाएंगे तो ये CD को हटा लिया जाएगा. थिंकिंग एंड लैंग्वेज की बात करें तो वाइगोस्की ने 3 प्रकार की स्पीचेस दी हैं कि कैसे जो भाषा है, इन्होंने कहा भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव है आपके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर. तो यहाँ पर समझ लेते हैं, इन्होंने 3 प्रकार की आपकी स्पीच दी है. एक है सोशल स्पीच, जब बच्चा 2 साल से बेसिकली क्या होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है, दूसरों से बात करना बोल बोल के. प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा खुद के ही एक्शंस को डायरेक्ट करता है, खुद से बात करके, बाहर नहीं कर रहा लेकिन खुद से बोल बोल के बात कर रहा है. साइलेंट इनर स्पीच 7 साल में आती है, जब बच्चा अपने मन में, जैसे हम सोचते हैं बड़े, अपने मन में ही अपने आप रेगुलेट कर लेते हैं अपने थॉट्स को कि अच्छा मुझे क्या करना है या कुछ भी, तो उसको बाहर बोलने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है आपका ये, आप ZPD देख सकते हैं. यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है. ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावाद. अब मानवतावाद इस बात में विश्वास रखता है कि मानव का कल्याण हो, बेसिकली मानव जो है वो अपनी जितनी भी क्षमताएं हैं जहां तक भी वो बेस्ट पहुंच सकता है वहां तक पहुंचे. अब ये जो बाकी की जो थ्योरीज थी उन सबको साइड किया इन्होंने. मानवतावाद या ह्यूमनिज्म के जो फादर हैं वो हैं कार्ल रॉजर्स. कार्ल रॉजर्स पिता हैं, थ्योरी ऑफ सेल्फ है इनकी, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दी है इन्होंने,
और ह्यूमनिज्म जो है थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है. फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी आपका साइको एनालिसिस है, फिर बिहेवियरिज्म एंड देन ह्यूमनिज्म. इसके स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है ह्यूमनिज्म के अब्राहम मैस्लो को, जिनकी हायरार्की ऑफ नीड्स है. ये देख सकते हैं आप, इनकी थियरी है अब्राहम मैस्लो की. इनकी पांच प्रकार की नीड्स उन्होंने बताई हैं. फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब शारीरिक अवस्थाएं जिनके आवश्यकताएं जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, रोटी कपड़ा खाना मकान. इसके बाद सेफ्टी नीड्स, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए. फिर इसके बाद आपको प्यार चाहिए, आप बिलोंग करना चाहते हैं अपनी फैमिली से, आपको सेंस ऑफ कनेक्शन चाहिए. फिर इसके बाद सेल्फ एस्टीम, आपको इज्जत चाहिए समाज में. और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आप जितना बेस्ट बन सकते हैं उतना बेस्ट अपने आप को जान पाए. तो ये पांच स्टेजेस हैं, सीढ़ियां हैं, एक एक करके आप चढ़ते हैं. डायरेक्ट पहले से पांचवीं पर नहीं पहुंच सकते, पहले से दूसरी पे जाएंगे, दूसरे से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पर. और ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, कुल 2% से भी कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, खुद की पोटेंशियल को जान पाते हैं. ये जो शुरू की तीन नीड्स हैं इनको बेसिक नीड कहा गया है, और ये हायर लेवल नीड्स हैं एस्टीम और एक्चुअलाइजेशन की. कार्ल रॉजर्स की अगर हम बात करें, इनकी सेल्फ की थ्योरी है जिसमें उन्होंने बात की इनकॉन्ग्रुएंट सेल्फ और कॉन्ग्रुएंट सेल्फ की. इनकॉन्ग्रुएंट पर्सनैलिटी वो है जो सेल्फ इमेज, एक होती है व्यक्ति की सेल्फ इमेज जैसे वो खुद को देखता है, एक होती है आइडियल सेल्फ जैसा वो चाहता कि मैं ऐसा बनूं. अब ये जो आइडियल सेल्फ है और जो उसकी खुद की इमेज है, जितनी दूरी पर होंगी उतना ही इनकॉन्ग्रुएंसी होगी, उतनी ही कहें तो विभिन्नता होगी, उसकी पर्सनैलिटी कहें तो उतनी बैलेंस नहीं कह पाएंगे. कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक कहें सिमेट्री में होगा. जब एक इंसान जो उसकी खुद की इमेज है, खुद के लिए जो वो सोचता है और जो उसका आइडियल जैसा वो बनना चाहता है पास आते जाए, तो जो पर्सनैलिटी है कॉन्ग्रुएंसी में होगी. ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान में देख सकते हैं. और उतना ही ज़्यादा व्यक्ति सेल्फ एक्चुलाइज होगा जितना उसकी सेल्फ इमेज जैसा वो दिखाता है और जैसा वो बनना चाहता है या जैसा वो है उसमें सिमिलैरिटी होगी, उतना वो बेहतर या सेल्फ एक्चुलाइज बन पाएगा. तो ये जो थ्योरी थी, कुछ इतनी सारी थ्योरीज को हमने डिस्कस किया है, मेन मेन पॉइंट्स को. जिनको बिल्कुल डिटेल में देखनी हो, कुछ थ्योरीज ऑलरेडी बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है साइकोलॉजी की, वहां से जाकर के देखने. और जो थ्योरीज रहती हैं अभी डिटेल में बनाना, मैं आके उनको डिस्कस कर लूंगी एक एक पॉइंट के साथ. तो टेंशन ना लें कि कोई पॉइंट छूट गया है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया है. ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका एकदम कल एग्जाम है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनका रिविजन हो जाए एंड मोमेंट पर, ज्यादा से ज्यादा चीजें उनको एकदम रिवाइज हो जाए. अगर आपको ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड सेशन पसंद आया हो तो बताएं, आगे मैं और कंपैरिजन भी लाने की कोशिश करूंगी रिवीजन के टाइम पर, जैसे बिहेवियरिज्म और बाकी जो थॉट्स हैं उनका कंपैरिजन, मेन मेन जो चीज़ें हैं ऐसे जो की कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के उनको डिस्कस करने की कोशिश करूंगी. तो आप बताएं आपका क्या रिव्यू है नीचे कॉमेंट सेक्शन में, कैसा आपको ये लगा वीडियो, एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, इतना बड़ा वीडियो था. तो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, आगे शेयर ज़रूर कर दें जिन लोग का भी एग्ज़ाम है, जो भी तैयारी कर रहे हैं. चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें. Thank you guys. Thanks for watching. This was Himanshi signing off. All the very best for your upcoming exams. Dhanyawad.